So let us do example number 3.9 from your textbook. The statement goes like this: in a meter bridge as shown in figure, the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. तो ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस है. बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि हमें झोंकी है वो मूव करनी होती है. एंड इट इज फाउंड दैट कि यहाँ पे मान लो कि नल पॉइंट मिला है. ओके, दैट मींस अभी ब्रिज है वो बैलेंस हो गया है. एंड फॉर दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए, देखो ये फ्रॉम ए है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ से डिस्टेंस लेना है, सी से लेना है या फिर ए से लेना है. सो फ्रॉम ए द डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड विच इज 33.7 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर क्या बोला है. सो इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद ब्रिज, ऑलरेडी बैलेंस था और अब जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस एस के साथ कोई एक और पैरेलल रेजिस्टेंस 12 ओम का कनेक्ट किया, तो फिर से ब्रिज है वो अनबैलेंस हो जाएगा. ओके, तो ब्रिज अब अनबैलेंस हुआ है. अगेन इट इज बैलेंस बाय मूविंग विद द जॉकी एंड वी हैव न्यू रीडिंग्स फॉर द L1, राइट. सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. हमें R पूछा है, राइट. सो लेट अस डू इट. सो केस 1 में क्या है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड एट पॉइंट 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A. तो हमारा इक्वेशन क्या था, आवर इक्वेशन वाज R / S इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1. तो मैं वही इक्वेशन यहां पे यूज करूंगा. सो R by S, दोनों की वैल्यू मालूम नहीं है, R भी मालूम नहीं है यहाँ पे और S भी मालूम नहीं है. L1 मालूम है, इट इज 33.7 सेंटीमीटर, राइट. एंड ओवर हियर इफ यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100 देन इट इज 66.3, राइट. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर केस नंबर 2 में क्या किया है. केस नंबर 2 में दे हैव कनेक्टेड अनदर पैरेलल रेजिस्टर विद द एस. तो यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है वो 12 ओम है. ठीक है, तो रेजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन को थोड़ा सा मैं याद करवा देता हूं आपको. ओके, मान लो कि आफ्टर द पैरेलल कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज एस इक्विवेलेंट. So S equivalent can be given as 1 upon S EQ equals to 1 upon 12 plus 1 upon S. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S EQ है वो मुझे कैसे मिलेगा, 12S upon 12 plus S, right? Okay, so that is the value of S EQ. तो केस नंबर 2 में अगेन आई विल यूज द सेम इक्वेशन, लेकिन एक चेंज होगा, वो होगा एस की जगह आपको अभी न्यू जो रेजिस्टेंस है एस ई क्यू वो हमें लिखना है. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर. मतलब आपको एल दिया गया है, एल वन दिया गया है 51.9 सेंटीमीटर. डिवाइड बाय अब 100 में से 51.9 को वो सबट्रैक्ट कर दो, सो इट इज 48.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी एस ई क्यू की वैल्यू है हमारे पास, राइट. सो यू कैन पुट इट, सो आर इक्वल्स टू 51.9 48.1, देन एस ई क्यू है वो दूसरी साइड पे जाएगा. ओके, तो ये ऑपोजिट, ये वन अपॉन है उसकी जगह ऊपर चला जाएगा. सो आई विल राइट इट एज 12s 12 प्लस s. ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वेशन, राइट. ओवर हियर नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, राइट. तो देखो आप यहाँ पे या एस की जगह पे आप ये वैल्यू रख सकते हो, राइट. ये दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करना है, राइट. तो आप आर बाई एस की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हो एंड थ्रू दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, तो आप फाइंड आउट करना आर की वैल्यू है दैट शुड बी 6.86 ओम, राइट. ये वैल्यू आपको आनी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स इट.